हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉगर चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ा है आज डोमिनार 250 का BS6 मॉडल। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक को लेकर, तो फाइनली आज ये अवेलेबल हो चुका है। तो आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने किया है और क्या ये बाइक अब BS6 मॉडल में वैल्यू फॉर मनी रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे प्रयाग बजाज का जिन्होंने ये बाइक हमें प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इसका फ्रंट का। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसमें फुल्ली LED लाइट्स देखने को मिलता है, सेम डोमिनार 400 वाला। तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे USD फोक्स देखने को मिल जाता है। और इसके टायर्स का अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रंट में आपको 100x80 का 17 इंच का टायर कंपनी ऑफर करती है। तो ये था इसका पूरा फ्रंट का डिटेल्स। और इसमें जो आपको इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो सब आपको फ्रेंड्स इसमें LED देखने को मिल जाता है, फुल्ली LED इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल में आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप मीटर कंसोल को जब स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको एक मोनोग्राम बनता है। और बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइम शो कर जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिस्टेंस दिखाएगा कि कितना किलोमीटर आपकी बाइक चली हुई है। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी रिमाइंडर मिल जाएगा, इंजन माल फंक्शन लाइट मिलेगा, बजाज का लोगो मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलेगा और ABS का लाइट मिल जाएगा। बात करते हैं तो इसमें गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जो है वो आपको मिसिंग देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इस साइड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैट फिनिश में आपको यहाँ पे दिया गया है और रेड कलर में ये हमारे पास अवेलेबल है, टैंक पैड आप इसे बोल सकते हैं। और अगर हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पास लाइट मिल जाता है, यहाँ हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, या आपका इंडिकेटर्स का सिग्नल हो गया, या आपको हॉर्न मिलता है। मैं आपको इसका हॉर्न एक बार सुना देता हूँ। तो जैसे कि आप इसका हॉर्न सुन सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको हाई बीम, यहाँ पे आपको DRLs का जो है वो आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है और यहाँ पे आपको इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स इसका एग्जॉस्ट नोट। जैसे कि आपने इसका एग्जॉस्ट नोट को सुन लिया, अब हम बात करते हैं इसके रेयर की। तो रेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सेम लाइट्स रेयर में देखने को मिल जाती है जो कि आपको डोमिनार 400 में देखने को मिलता था, और सेम LED इंडिकेटर्स मिल जाता है। बात करते हैं तो इसका जो रेयर का टायर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो रेयर का टायर है वो आपको पतला देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे डोमिनार 400 से कंपेयर करते हैं। तो इसका रेयर का जो टायर है फ्रेंड्स वो आपको 130 सेक्शन का मिलता है और यहाँ पर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है और कंपनी इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी ऑफर करती है। बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसका जो स्विंग आर्म है वो भी आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म देखने को मिलता है। अगर आप डोमिनार में देखते हैं तो उसमें आपको एल्युमिनियम कास्ट स्विंग आर्म देखने को मिलता है। तो ये आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। और इस साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है रेयर में, और फ्रंट में आपको USD फोक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलता है। और बात करते हैं इसका सीट का, तो सीट भी आप देख सकते हैं आपको स्प्लिट टाइप में सीट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो कुशनिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, थोड़ा सा हार्डर साइड पर सेट किया गया है बट लॉन्ग राइड्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और इसमें आपको स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो आप इसका इंजन देख सकते हैं आप, जिसमें आपको 250cc का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 27 PS का, जो कि फ्रेंड्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको पावर मिल जाता है। और 23.5 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है और इसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके चेन की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलता है जिसे कि आपको हर 200 या 300 किलोमीटर के बाद आना होगा, मेंटेनेंस आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिल जाता है, जैसे कि अगर आपकी साइड स्टैंड डाउन रहती है तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग गार्ड भी आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होंगी इस बाइक को लेकर वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।